अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हमारे कुछ टॉपिक्स यूनिट वन में रह गए थे उनमें से एक टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या चाहा जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप बहुत जगह स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखोगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली एक है, कह रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट आपके पास बीम है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, बीम हो अगर, लेकिन लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर हो, जो उसके अंदर जो ये वेरिएशन हो दैट शुड बी लीनियर इलास्टिक वेरिएशन। तो कह रहे हैं उसके बाद अगर आपको लीनियर इलास्टिक वेरिएशन है, फिर अगर आपको डिफरेंट लोड्स है, डिफरेंट पॉइंट लोड्स है, W1, W2, W3 या हमारे पास और ट्रस हो सकता है, तो अब आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन आर ए होगी एंड यहाँ पे रिएक्शन आर बी होगी। ऑब्वियसली बात है, अब ये रिएक्शन आर ए और आर बी किन की वजह से होगी, इन डिफरेंट पॉइंट लोड्स की वजह से होगी। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कह रहा है, सिंपली आप देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कह रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप पहले देखोगे कि इस W1 से आर ए और आर ए पे कितनी रिएक्शन होगी, अगर आपने सिर्फ W1 से देखा उस वक्त आर ए पे रिएक्शन थी X, ठीक, जब आपने सिर्फ W1 के साथ W1 लोड देखा। फिर अगर आपने अब W2 देखा, सिर्फ W2 की वजह से रिएक्शन देखी, उसकी वजह से अगर रिएक्शन ए निकली Y, तो आप उसको लिखोगे Y। और अगर आपने थर्ड में एक साथ आप नहीं देख रहे हो, अलग अलग लोड्स को आप देख रहे हो, इंडिविजुअली आप लोड्स को देख रहे हो, पहले W1 को देखा उस वक्त रिएक्शन ए थी, आर ए थी एक्स, W2 के वक्त वाई, W3 के वक्त जेड, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि टोटल रिएक्शन आर ए विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, कि अगर आपने इंडिविजुअली इनको देखा, इंडिविजुअली पहले W1 से आर एक्स थी, W2 से वाई थी, W3 से जेड थी, तो टोटल रिएक्शन आर ए विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपको क्या, इससे क्या हमें फायदा मिल, इससे हमें ये फायदा मिलता है भाई कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स लोडिंग होगी, हम उस लोडिंग को एक साथ नहीं देंगे उसका इन्फ्लुएंस ड्यू टू द क्या उसको उसके रेस्पॉन्स पे, हम अलग अलग करके देखेंगे, फिर लास्ट में सबको ऐड किया करेंगे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। आपने पढ़ा था सुपर पोजिशन, आपने प्रीवियस क्लास में कभी पढ़ा होगा, ए जब हम पढ़ते थे वेव्स के आधार पर सुपर इम्पोजिंग वेव्स, यहाँ से आपने एक का इन्फ्लुएंस आपने दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके सम कर दिया, टोटल रिएक्शन एट आर ए आपको पता चली दैट आर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास है रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। फिर से आप समझो, इन अ लीनियरली जिसमें वेरिएशन होगी, लीनियर इलास्टिक वेरिएशन जिसमें होगी, तो उसमें क्या आप देखोगे कि जो भी पॉइंट लोड्स होंगे या जो भी लोड्स होंगे उनका इन्फ्लुएंस अगर आपको देखना है, तो अगर आप अलग अलग करके हर एक का इन्फ्लुएंस देखोगे, फिर अगर आपको टोटल देखना है तो आप उनको सम करोगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को, तो आपको टोटल रिस्पॉन्स निकलेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। हमारा दूसरा जो टॉपिक था, जो मिस आउट टॉपिक हम जो हमने उसको तो नहीं पढ़ा था, दैट वाज दूसरा टॉपिक हमारा है स्टिफनेस, ठीक। अब स्टिफनेस किस चीज को कहते हैं, अब स्टिफनेस देखो, आप सिंपली देखो स्टिफनेस किस चीज को कहते हैं, स्टिफनेस को हम समझ सकते हैं कि आपको कितना मोमेंट लग रहा है, या आप मोमेंट को देखो या डिस्प्लेसमेंट को देखो, आपको कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट आपको हो रही है किस मोमेंट के लिए, जब आपके पास मोमेंट होगा 1 किलोन्यूटन मीटर और 1 kg मीटर, ठीक। तो स्टिफनेस अगर आपको समझना है, स्टिफनेस आराम से हम बोलेंगे इज अ फोर्स और मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, कि कितना फोर्स या मोमेंट आपको लग रहा है, किसी भी चाहे बीम हो चाहे स्ट्रक्चर हो, आपको कितना फोर्स लग रहा है और मोमेंट लग रहा है ताकि आप उस में या तो यूनिट यूनिट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में आप क्या बोल सकते हो, या तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या अगर आप सिंपली फोर्स की वजह से देख रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मोमेंट देखोगे या रोटेशन उस वक्त आपको एंगल, या उस वक्त हम बोलेंगे फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन और यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो उस वक्त आप बोलोगे स्टिफनेस, आपको समझ आ रहा है सीधे कि जो चीज हम बोलेंगे इशू ज्यादा स्टिफनेस, इसके अंदर ज्यादा स्टिफनेस, दैट मीन्स कि इसको हमें ज्यादा फोर्स लग रहा है एक यूनिट रोटेशन को प्रोड्यूस करने में या एक यूनिट डिफॉर्मेशन को। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे स्टिफनेस को, के से हम स्टिफनेस को लिखते हैं, के इज इक्वल टू सिमिलरली आप लिखोगे फोर्स बाई डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन।
कितना फोर्स लग रहा है टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज स्टिफनेस। फिर इसके अंदर आपको आ जाएगा दो चीजें, ठीक। यहाँ तो मैंने आपको जनरली बोला फोर्स डिवाइड बाय डिफॉर्मेशन। फिर अगर आपको दो इसमें फिर फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लीनियर स्टिफनेस। लीनियर स्टिफनेस के आप उस वक्त क्या बोलोगे लीनियर स्टिफनेस, ठीक, उस वक्त आप बोलोगे सीधे फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे सीधे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना इसको लगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, आपको कितना फोर्स लग रहा है यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए, उस वक्त आप उसको कहोगे लीनियर स्टिफनेस, ठीक। आपके पास दूसरा टाइप इसके अंदर है रोटेशनल स्टिफनेस। रोटेशनल स्टिफनेस, रोटेशन स्टिफनेस किसके बराबर होगी, ठीक, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। सिमिलर लीनियर स्टिफनेस के वक्त था फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या होगा मोमेंट बाय रोटेशन। तो हम इसको यहां पे अगर न्यूटन यूनिट लिखेंगे तो आ जाएगा केजी पर मीटर, या एमएम में होंगे या व्हाटएवर, जो अगर आप स्मॉल डिफॉर्मेशन तो एमएम, यहां पे होगा केजी एमएम डिवाइड बाय फाइव को आप रखोगे एंगल, रेडियंस डिवाइड बाय रेडियंस, ठीक। ये आपको पता चला स्टिफनेस, कितना फोर्स और मोमेंट आपको रिक्वायर्ड जरूरत पड़ता है एक यूनिट डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में, उसको आप कहते हो स्टिफनेस। फिर हमने आपको कहा स्टिफनेस की जनरल इक्वेशन है दिस, स्टिफनेस कॉल्ड फोर्स और मोमेंट, यहाँ पे लिखेंगे और मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। फिर इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स थे लीनियर स्टिफनेस और रोटेशनल स्टिफनेस। लीनियर स्टिफनेस इज पी बाय डेल्टा एंड रोटेशनल स्टिफनेस इज एम बाय डेल्टा। इसके बाद जो हमारा इसी के साथ एक टॉपिक है दैट इज जो हमारा दूसरा इसके साथ टॉपिक था वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज सिंपली इसे डिनोट करते इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस। फ्लेक्सिबिलिटी सी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस। अब स्टिफनेस के वक्त उस वक्त आपको फोर्स देखना था कितना रिक्वायर्ड पड़ रहा है यूनिट डिफ्लेक्शन की वजह से या यूनिट डिफॉर्मेशन। इस वक्त आप क्या देखोगे यूनिट, जब किसी बीम के अंदर यूनिट डिफॉर्मेशन होती है तो वहां से कितना फोर्स जनरेट हो जाता है या वहां से कितना मोमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक। उस वक्त हमें क्या था, उस वक्त हमारा था रेसिप्रोकल, उस वक्त हमारा था फोर्स रिक्वायर्ड और मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। अब यहां पे लिखा है फोर्स डेवलप्ड और मोमेंट डेवलप्ड by unit deformation or by unit rotation or unit displacement. तो हम इसको अगर ऐसे करेंगे C is denoted by, C को कैसे denote करेंगे हम, similarly delta by P, वहां पे था इसका उल्टा, ठीक। तो यहां से आपको आराम से पता चलेगा अगर इसको हम यूनिट लेंगे हम डेल्टा लेंगे mm और whatever displacement mm by force kg और किलोमीटर। फिर इसके अंदर भी दो टाइप्स होंगी linear stiffness and रोटेशनल स्टिफनेस। लीनियर स्टिफनेस, लीनियर फ्लेक्सिबिलिटी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा लीनियर स्टिफनेस, सीधे डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स, फोर्स पी और एफ। यहाँ तो मैंने जनरली पी को लिखा है रेस्पॉन्स, जो भी इसका इनपुट होगा चाहे मोमेंट होगा चाहे लोड होगा। इसके बाद होगा यहाँ पे रोटेशनल, रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सी। इसमें क्या आ जाएगा आपको रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के वक्त डिस्प्लेसमेंट के बाद लेके आ जाएगा थीटा और इसके बाद लेके आ जाएगा एम, ठीक। तो उसका उल्टा है जो स्टिफनेस, सिमिलरली आपको कोई बीम बहुत स्टिफ है ऑब्वियसली बात है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है ना। किसी बीम को आपको बहुत मोमेंट लग रहा है क्या बोलते उसको रोटेट करने पे, तो व्हाट डज इट मीन कि जब आप उसको एक डिग्री से आप रोटेट करोगे तो इसके अंदर जो है बहुत फोर्स जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली समझ आ रहे हैं ना उल्टा कैसे रेसिप्रोकल कैसे, तो इससे आपको समझ आ गया व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाट इज रोटेशनल। ये फिर इसके अंदर दो टाइप्स थे लीनियर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें जो आपको पेंडिंग था वो था, इसका लास्ट टॉपिक जो पेंडिंग था दैट वाज कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। कंपैटिबिलिटी, हालांकि मैंने समझाया था कंपैटिबिलिटी किस चीज को कहते हैं। कंपैटिबिलिटी मैंने कहा जब हमारे पास डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है दे आर सफिशिएंट
हमें वो सफिशेंट होती है कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन जब हमारे पास इंडिटर्मिनेंसी आ जाती है तो इक्वेशंस कम पड़ जाते हैं। फिर आप कुछ कंडीशंस को लेते हो, उन डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस, खासकर आप डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस को लेते हो जिसकी बिना पे आप फिर बोलते हो कि उन कंडीशंस को यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उन कंडीशंस को हम कहते हैं कंपेटिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है ना। जैसे आपने ट्रसेस में, इंडिटर्म ट्रसेस में आपने कंपेटिबिलिटी कंडीशन यूज की थी, कैस्टिग्लियानोस मिनिमम एनर्जी थ्योरम, आपने उसमें क्या बोला था, उसमें भी आपने एनर्जी, क्योंकि आपको सॉल्व नहीं हो रहा था सवाल, आपने बोला कि भाई जो इसमें रेस्पॉन्स होगा, जो उसके अंदर फोर्स होगा वो इतना होगा ताकि स्ट्रेन एनर्जी मिनिमम आ जाए। दैट मींस आपने कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन, आपने कोई एक्स्ट्रा कंडीशन यूज की विद द रिजल्ट, जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उसको हम कहते हैं कंपेटिबिलिटी कंडीशंस। खासकर डिस्प्लेसमेंट की कंपेटिबिलिटी का मतलब है जब आपको किसी स्ट्रक्चर पे फोर्स आ रहा है, डिफरेंट मेंबर्स ज्वाइन है, ऑब्वियसली बात है फोर्स की वजह से स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो उसके अंदर से वो जो मेंबर्स कनेक्टेड वो तो कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे, उनके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस आ जाएगी, उन डिफॉर्मेशंस को आप ऐसे कंडीशंस में यूज करते हो ताकि आपको जो है आपका इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम जो है वो आपको सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये है हमारे पास कंपेटिबिलिटी कंडीशंस, पहला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर था स्टिफनेस, फिर थी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस वाज कंपेटिबिलिटी कंडीशंस।